पेशेंट हैं हमारे हनी मित्तल जी, ये अभी हिम्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ये हमारे पास आए थे 8 तारीख को आए थे। इनका कंसल्टेशन हुआ था और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू किया हमने 10 तारीख को। यहाँ डे केयर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सीकेडी के पेशेंट हैं ये, और पीछे इनका ट्रीटमेंट चला है। इनका डायलिसिस चल रहा था 2 बार वीकली। काफ़ी सारे इशूज थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी और साथ में जो वॉमिटिंग भी इनको होती थी, पीछे हिस्ट्री रही है इनकी वॉमिटिंग वगैरह हुई है, इसलिए पीछे ऐसे ट्रीटमेंट चला है। एनीमिक भी थे ये, साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुआ है इनका और 2 बार कराते थे ये डायलिसिस। उसके बाद भी वीकनेस ज़्यादा रहती थी, एडिमा भी था, थोड़ा फ्लूड एक्युमुलेशन हो रहा था। तो यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो एक बार इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। हाँ जी हनी जी, क्या क्या दिक्कत थी आपको जब यहाँ आए आप? सर सांस लेने में भी दिक्कत होती थी सर, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी सर। डायलिसिस तो अभी बंद है सर। कमजोरी बहुत ज्यादा थी, कमजोरी वीकनेस बहुत ज्यादा थी सर। पहले चलने फिरने में दिक्कत आती थी। ठीक है सर, अब पहले से बेटर लगता है। अभी कितने दिन हो गए आपको? सर 1 वीक हो गया सर। ठीक है, 1 वीक में क्या फील कर रहे हो? दवाइयां तो सर डायलिसिस फ्री हो जाता है, बाकी दवाई सर सारी बंद हो गई है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उस दवाई के बंद होने के बाद? नहीं सर, पहले दवाई खा के भी ये दिक्कतें बनी रहती थी। डायलिसिस करानी पड़ती है सर। डायलिसिस भी करानी पड़ती थी, दवाई भी खाते थे, दोनों चीजें थी। हाँ जी सर। ठीक है, तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? सर सर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था सर। ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया कि बिना ट्रांसप्लांट के इशू रिजोल्व नहीं हो पाए। टेस्ट भी कर लिया सर 15 डेज का। आपकी छाती में भी दर्द होती थी? हाँ जी सर। जब लेटते थे आप? हाँ जी सर। तो अभी वो दर्द कैसी है? सर दर्द तो है ही नहीं सर। दर्द है ही नहीं उस दिन के बाद से? हाँ जी सर। ठीक है, बाकी यूरिन वगैरह? सर सही आ रहा है सर। पहले से बढ़ गया है? हाँ जी सर। पहले जब आप आए थे तो कितना लगभग आता था? सर पानी पर डिपेंड है ना सर, कितने पीते थे। जब पहले यूरिन कितना आता था? कम आता था। हाँ जी सर। अभी उससे ज्यादा बढ़ा है? हाँ जी सर। चलो, अभी आपके इनके फादर साहब हैं, इनको लेके आए थे, एक बार इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ जी सर बताइए, आप फादर हैं बच्चे के, तो आपको क्या लगता था पहले ट्रीटमेंट से पहले कि क्या करवाना पड़ेगा? ट्रांसप्लांट के लिए दुखी ज्यादा थे आप जब आए थे हमारे पास? परेशान थे बहुत। अब हमें ये परमात्मा का शुक्र है भाई, जहाँ हम सही जगह पे पहुंच गए हैं और जो भी यहाँ से ट्रीटमेंट मिला है हम संतुष्ट हैं। हर मन मर को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी बेहतर है कुछ पहले